नमस्कार सभी को। तो कुछ साथी पूछ रहे हैं सर एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं तो हमारा पढ़ने का मन नहीं हो रहा है तो हम क्या करें। देखिए सच्ची बात मैं बताऊं, देखिए आपके पास साल 6 महीने होते हैं अपनी तैयारी करने के लिए और ये साल 6 महीने भी आप अपनी तैयारी में नहीं लगाते हैं और कहीं ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाने का मतलब है कोचिंग सेंटर पे जा रहे हैं तो कोई दोस्त बनाने में लगा है, जिसके बने हुए हैं वो दोस्ती निभाने में लगा हुआ है, तो इस तरीके से अपना टाइम वेस्ट करने में लगे हुए हैं सब। तो इसी तरीके से टाइम वेस्ट करते रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं आप। आप देखिए चीज़ें सब तभी अच्छी लगती हैं जब सारी चीज़ें एक साथ होती रहेंगी। आपके पास सब कुछ है, ठीक है, तैयारी भी आप कर रहे हैं, तैयारी करते करते आपको नौकरी भी मिल जाएगी, नौकरी करेंगे तो पैसा भी आएगा और पैसा आएगा तो सब कुछ अच्छा लगता है। रिश्तेदारों के भी फ़ोन आएंगे, बेटा बेटा करके बात करेंगे, ठीक है, घर वाले भी अच्छे से व्यवहार करेंगे, घर पे जाओगे तो पड़ोसी भी अच्छे से बोलेंगे, ठीक है। पर जब कुछ भी नहीं होगा तो जिसके पीछे आपने अपना टाइम वेस्ट किया है साल 6 महीने पढ़ाई के अलावा, ठीक है, पढ़ाई नहीं की है, जिस टाइम पे पढ़ाई करनी चाहिए थी उस टाइम पे आपने अपना समय और कहीं पे लगाया है, तो 6 महीने में ना आपको कुछ वो हासिल हुआ है, ना आपको नौकरी मिली। फिर जो बेटा बेटा करते थे ना वो भी बेटा करना बंद कर देंगे, घर वाले तो लात मारेंगे ही, रिश्तेदारों के फोन आते थे वो भी फोन करना बंद कर देंगे, ठीक है। फिर एक कमरे में बैठ के रोगे, इसके अलावा कोई भी चारा नहीं बचेगा, सारी चीजें याद करोगे फिर पीछे की बैठ के, काश उस टाइम पे मैं पढ़ लेता, 6 महीने जमकर पढ़ाई कर लेता, नौकरी मिल जाती, ये काम नहीं करता, तो जिसके पीछे आपने टाइम खराब करा था वो भी लात मार के जाएगी, लास्ट में बोलेगी सॉरी, ठीक है, घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, सिर्फ इतनी सी बात बोलेगी सॉरी, घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, तो सब किया कराया बिल्कुल साफ हो जाएगा, ठीक है। तो मोटिवेशन इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं दे सकता, कुछ बोलते रहते हैं सर मोटिवेशन, ठीक है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, जब चीजें होंगी ना आपके साथ तो खुद पे ही आपको पता लग जाएगा कि क्या मेरे को करना चाहिए था क्या नहीं। यदि वाकई में आप नौकरी पाना चाहते हैं कि सब कुछ स्मूथली चले, अच्छे से चले, सब के साथ अच्छा व्यवहार हो, तो नौकरी पाने के लिए अपनी तैयारी अच्छे से कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने, ज्यादा नहीं, साल 6 महीना एक बार एक तरफ लगा दीजिए, अपना खूब जमकर पढ़ाई कीजिए, उसके बाद सब चीजें अच्छी हो जाएंगी, तो कहीं पर भी भागने की जरूरत नहीं, सब चीजें आपके पास भाग्य चली आएंगी, ठीक है। तो किसी को मोटिवेशन करने की आपको जरूरत नहीं है, ना स्पीच देने की जरूरत है, ना आपको उकसाने की जरूरत है, तो खुद पे खुद ये होनी चाहिए चीजें कि हाँ हमको तैयारी करनी है, ये चीज मिलनी चाहिए, क्लियर है। एग्जाम होंगे आज नहीं तो कल होंगे, ठीक है, सिस्टम जैसा खराब है उसको कोई नहीं ठीक कर सकता, जो चीजें होंगी उसी टाइम पे होंगी, जो बदलना होगा ये बदलेंगे, लेकिन अपने हाथ में एक ही चीज है कि हम तैयारी अपनी करते रहें, टाइम वेस्ट ना करें। तो सभी से रिक्वेस्ट है कहीं भी अपना टाइम खराब मत कीजिए, अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए, तो किसी के भिकावे मत आइए, आज पेपर हमारे डिले हो गए हैं, पेपर नहीं होगा, रद्द हो गया, फलाना दिखड़ा, थंबनेल देखे होंगे आपने, तो सब चीजों को छोड़कर अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, सोर्सेज आपके पास है, सिलेबस आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, तो अपनी तैयारी कर दीजिए और 6 महीने जमकर अपनी पढ़ाई कर दीजिए, ठीक है। 2-3 महीने और हैं आपके, जो सीईटी की तैयारी आप कर रहे हैं मेंस के लिए, ठीक है, तो इन 2-3 महीनों में दिन रात एक कर दो ताकि नौकरी मिले और सब कुछ अच्छे से चले। थैंक यू।